दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी व्हाट्सएप की तरफ से 4 न्यू खतरनाक खुफिया अपडेट आ चुका है, और जब से ये अपडेट आए ना व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे लोगों का अकाउंट परमानेंट बैन हो चुका, बंद हो चुका। अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हो और व्हाट्सएप के जरिए से आप अपने फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड या किसी से भी आप बातें करते हो, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना, तो आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो। तो अगर आप चाहते कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन ना हो तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी व्हाट्सएप के अंदर 4 ऐसी न्यू अपडेट है जो बिल्कुल खतरनाक अपडेट है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। मैं आपको एक एक करके अपडेट के बारे में बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को देखते रहना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कलेता वीडियो स्टार्ट है, मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा YouTube चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो ये रहा WhatsApp अकाउंट, और चलिए मैं आपको WhatsApp की 4 न्यू खुफिया अपडेट के बारे में बता देता हूं जिससे कि आपका WhatsApp अकाउंट बैन हो सकता है। तो सबसे पहला न्यू अपडेट जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, जो भी WhatsApp अकाउंट चलाते हैं जरूर शेयर करना। वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहला अपडेट जानने से पहले इसका क्या फायदे होंगे और कैसे आपका WhatsApp अकाउंट बैन हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप अपने WhatsApp के अंदर कई सारे ग्रुप चलाते होंगे और कई सारे फ्रेंड से आप बातें करते होंगे, और कभी कभी अननोन पर्सन से आपको मैसेज भी आता होगा, और कभी ना कभी एक मैसेज तो आया होगा कि भाई आपका जो ना 50,000 का लॉटरी लग गया, या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसे करके आपको लॉटरी लग गया, आपने इनाम जीत लिया, बहुत सारे ऐसे मैसेज आता है। तो वो क्या होगा कि WhatsApp ने अभी अभी एक नया अपडेट आ गया कि जिससे कि आप पर्टिकुलर मैसेज को सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि तुरंत एक्शन होगा और वो WhatsApp अकाउंट को बैन करेगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारे पास जो ना फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट काफी सारा मैसेज आया, तो इस मैसेज को मैं होल्ड करूंगा, और जैसे होल्ड करने के बाद ये मैसेज मेरे को लग रहा है कि ये फ्रॉड है, खराब है, ये मैसेज ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो आपको इसको होल्ड करेंगे ना तो 3 डॉट पे जाएंगे ना और यहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं, और जैसे रिपोर्ट करेंगे ना तो तुरंत WhatsApp जो भी टीम होगा ना वो चेक करेगा पर्टिकुलर मैसेज के अंदर, जैसे वो फ्रॉड रहेगा ना तो उसका अकाउंट बैन हो जाएगा। पहले क्या था कि आप रिपोर्ट तो था, पहले भी फीचर था, लेकिन वो रिपोर्ट सिर्फ करेंगे ना तो WhatsApp क्या करता था, पूरा अकाउंट को चेक करता था, जिसमें मगजमारी होता था, अकाउंट बैन नहीं होता। लेकिन अभी क्या किया कि हर मैसेज के लिए आपको जो ना रिपोर्ट कर सकते कि ये भाई मैसेज गड़बड़ है, खराब है, तो आपको बस मैसेज को सिलेक्ट करना, जैसे कि बता देता हूं, इस बार होल्ड करना, 3 डॉट पे जाना और यहां से आप रिपोर्ट कर सकते, जैसे कि आप देख रहे हो रिपोर्ट कर सकते पर्टिकुलर मैसेज को, आप रिपोर्ट कर सकते कि भाई ये खराब है, तुरंत एक्शन होगा, वो अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आप लोगों को सावधान हो जाना है, और आप भी किसी को मैसेज करते फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, तो आपको भी संभल जाना होगा, नहीं तो आपका भी WhatsApp अकाउंट बैन हो जाएगा। क्यों, क्या पता कि आप भी कुछ गलती कर देंगे, कुछ ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे तो आपका भी WhatsApp अकाउंट बैन हो सकता है। तो आप लोग को सोच समझ के मैसेज करना होगा। तो ये था पहला खतरनाक न्यू अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। चलिए बात करेंगे यहां पे दूसरा खतरनाक न्यू अपडेट के बारे में, और दोस्तों लिटरली बता रहे हैं ये जो अपडेट है, काश पहले आता ना तो WhatsApp को यूज करने बिल्कुल मजा आता है, बिल्कुल तबाही मचा देता, क्योंकि ये अपडेट हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये अपडेट मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल कमाल का अपडेट है, यूजफुल अपडेट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको कोई भी पर्टिकुलर चैट को सिलेक्ट करना, जैसे कि मेरा फ्रेंड है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड या किसी भी अपने अननोन पर्सन को या अपने फैमिली मेंबर को या कोई भी चीज भेजते हैं, या फोटो भेजते होंगे या आप मैसेज भी भेजते होंगे। यदि कि मैं मैसेज भेज रहा हूं तो मैसेज यदि गलती हो जाता है या कोई मिस्टेक हो जाता है कुछ लिखने में, टाइपिंग में, तो आप तुरंत उसको पढ़ने से पहले आप उस मैसेज को कुछ इस तरह से आप डिलीट कर देते हैं, जैसे कि आप एवरी वन डिलीट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ऐसा सीन, जब तक वो फोटो देख लेगा तब तक तो आपका काम हो जाएगा, और ये फोटो एक बार डाउनलोड करने के बाद उसके गैलरी के अंदर सेव हो जाता है। लेकिन अभी अभी WhatsApp के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है फोटो को लेकर के, जिससे कि आप जैसे आप फोटो भेजेंगे ना तो वो बंदा एक ही बार व्यू करेगा, उसके अलावा ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटे बाद देखे, चाहे वो 2 घंटे के बाद मैसेज को पढ़े, या 3 घंटे के बाद वो फोटो देखे, या 24 घंटे के बाद फोटो देखे, लेकिन वो एक ही बार फोटो को देखेगा, बाकी डिलीट होगा। आपको यकीन नहीं होता ना तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहां पे मैं फोटो को सिलेक्ट किया और यहां पे एक 1 लिखा होगा, ठीक है, 1 पे आपको क्लिक करना होगा और यहां पे कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा और यहां पे ओके पे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 WhatsApp आ चुका है, और यहां पे मैं मैसेज करता हूं, ठीक है, ये
किया, मैसेज किया, इस व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज को आने देते, ठीक है, मैसेज को आने देते। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे ना, तो जैसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, ये डाउनलोड करने के बाद कोई भी बंदा कितने भी घंटे के बाद देखे, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, कोई भी बंदा देखे ना एक बार, तो जैसे एक बार देखेगा, सिंपल बैक करेगा ना, तुरंत फोटो डिलीट हो जाएगा, उसके गैलरी के अंदर सेव नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप डायरेक्ट फोटो भेजेंगे ना, और वो 24 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद देखेगा ना, तो वो डिलीट एवरीवन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वो डाउनलोड जैसे करेगा उसके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये मसला होता है। ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा न्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों लिटरली बता रहा हूं, ये जो तीसरा अपडेट के बारे में बताऊंगा वॉइस को लेकर के, जी हाँ, जो वॉइस आप अपने फ्रेंड को भेजते हैं ना, इसको लेकर के काफी कमाल का अपडेट है। जो व्हाट्सएप ने पहले लॉन्च करता ना, तो काफी मजा आता और व्हाट्सएप को यूज करने में और भी मजा आता, ठीक है। तो ये कौन सी अपडेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं किसी को वॉइस भेज रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी को जो ना कुछ इस तरह से वॉइस भेज रहा हूं, कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां पे आपको कुछ इस तरह से आपको जो आप वॉइस भेजते ना, तो यहां पे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड होने के दरमियान जो होता है ना, बीच बीच में मतलब कि कोई चीज मिस्टेक हो गया, कोई चीज वर्ड मतलब कि कोई गलत वर्ड बोला गया उसके अंदर, और आप सुनना चाहते कि भाई जो भी आपने रिकॉर्ड किया वो परफेक्ट रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, वो सही रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, कैसे आप सुन पाएंगे, इसके अंदर अपडेट आया जो आप बड़ी आसानी से प्ले करके पहले सुन सकते हैं, उसके बाद आप भेज सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपको बटन देख रहे हैं बीच वाला, इस बटन पे क्लिक करना होगा, और जैसे क्लिक करने के बाद स्टॉप हो जाएगा, रिकॉर्डिंग करना स्टॉप हो जाएगा, और ये ऊपर में प्ले का बटन होगा ना, इसको आपको रेफ राइट भी कर सकते हैं कि कहां से आपको सुनना है, कितना भगाना, वो भी आप यहां से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये प्ले बटन देख रहे हैं ऊपर में, तो इस पर क्लिक करना है, और पूरा यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्ले होना स्टार्ट हो चुका। तो जो भी रिकॉर्डिंग आपको सही होगा ना, तो आप बड़ी आसानी से भेज सकते हैं, यदि वो गलत होगा तो डिलीट कर सकते हैं। तो मेरा वॉइस सही है तो मैं कुछ इस तरह से भेज सकता हूं। तो ये कैसा ट्रिक लगा और ये कैसा अपडेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कि चलिए बात करेंगे यहां पे लास्ट वाला अपडेट के बारे में, जो व्हाट्सएप के अंदर अभी आया है, जो कल या परसों यहां पे अपडेट आया, जो काफी कमाल का अपडेट है, जो आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप के अंदर जो ना आप अपना फोटो भेजते या वीडियो भेजते या डॉक्यूमेंट भेजते, कोई भी चीज फोटो भेजते होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा कि फोटो का क्वालिटी जो है ना बिल्कुल खराब हो जाता है। यानी कि आपके फ्रेंड भेजे या आप किसी भी बंदे को भेजेंगे ना, तो उस बंदे का क्वालिटी फोटो बिल्कुल घटिया हो जाता है, बिल्कुल थर्ड क्लास का हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया, इसका भी अपडेट आ चुका, जो आप हाई क्वालिटी में फोटो को भेज पाएंगे। जी हाँ, तो वो कैसे, आपको 3 डॉट पे जाना होगा, अकाउंट के अंदर जाना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पे जाना होगा, सेटिंग के अंदर जाना होगा, यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड डेटा नाम करके सेटिंग होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना होगा। नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड क्वालिटी होगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में यहाँ पे डेटा सेवर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ऑटो यहाँ पे रिकमेंडेड करना है, मतलब कि जो व्हाट्सएप है रिकमेंड कर रहा है ऑटो में रखने के लिए। ऑटो में इसलिए बोल रहे हैं रखने के लिए क्योंकि दोस्तों हम हमेशा जो ना नेट का प्रॉब्लम होता है हर जगह, चाहे आप कोई भी सिम का यूज करते कंपनी का, तो उसमें कभी ना कभी नेट का प्रॉब्लम तो आया होगा, कभी स्पीड चलता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी बीच में हो जाता है। तो वो क्या होता है कि इंटरनेट जैसा स्पीड रहेगा ना, उसी हिसाब से क्वालिटी भेजेगा। तो ये ऑटो रिकमेंडेड बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह से काम करता है। तो आप जैसे ऑन कर देंगे ना, तो जो भी आप फोटो भेजेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये फोटो मैंने भेजा अपने फ्रेंड को, ये वाला फोटो भेजा, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी में उस बंदे के पास जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फोटो को क्वालिटी भेज सकते हैं। ये अपडेट करने के बाद मुझे तो काफी मजा आ गया, हेल्प मिल गया, क्योंकि यार एक दूसरे व्हाट्सएप के अंदर भेजना होता ना तो क्वालिटी खराब हो जाता है, लेकिन जब से ये अपडेट है ना, बिल्कुल कमाल का अपडेट है, जो मुझे काफी हेल्प करता है। आप लोग को कितना हेल्प करता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और यही 4th नंबर का अपडेट है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। पहला वाला जो अपडेट है ना, बिल्कुल सोच समझ के किसी को भी मैसेज करना, नहीं तो कोई भी रिपोर्ट कर देगा उस मैसेज पे, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है, इस पे जरूर गौर करना। तो ये चारों का चारों अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल के अलावा कुछ अलग ही सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो चले, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल ऑलवेज कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में अपने, क्या लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।